वैसे चुनरिया हम उड़ेंगे तो हमारे नहीं हो पाएंगे, हाँ लेकिन तुम अगर उड़ लोगे तो शायद हो सकते। जय हो, आसमान में पत्थर हम उछाला नहीं करते। जिद्दी भैया अभी तुम्हें शेर कहने का भी अंदाज नहीं है, तरीका भी नहीं है, न शेर कह पाओगे। शेर बोली कैसे जाती है सुनिए सुनिए, आसमान में, और ये तुम शेर बोल रही हो, यूट्यूब पे चल रही है, देखने वाले सब मत वाले हो जाएंगे, लेकिन ये शेर तुम्हें नहीं मिलेगी सुनिए। आसमान में पत्थर हम उछाला नहीं करते, दोष किसी दूसरों में हम निकाला नहीं करते, उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती, उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के घर में उजाला नहीं करते। क्या बात, सुनिए जिद्दी, हम ये नहीं कहेंगे चुनरिया उड़ लो, बहुत सुंदर, तुम्हारे लिए तो मेरे पास बहुत मैटर रखा है, फिर ये तुम कहोगे ये मेरा भाई है, अभी खजाना खोला नहीं है, ना 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 तुम्हारे लिए खोलेंगे। दादा कहा था कि भाई कंप्यूटर ही काफी है, ये कहा था कि ये कलाकारों की कमजोरी है, आप हमारी कमजोरी न समझिए, क्योंकि आप हमारे दरवाजे पर हैं, ये कमजोरी जरूर है। बात ये थी कि मैंने कई दिन पहले कौशल से कह दिया था कि कार्यक्रम होने वाला है, जाओ, जाओ, जाओ। आपको उसके बाद में बुक किया गया, बात ये थी और कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ना 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 सुनिए, बीत गए वो जमाने नहीं आते, शेर कहने का अंदाज होता है कुछ मस्ताना, ये तो अपना अपना होता है, तुम लोग ना शेर कह पा रहे हो ना जवाब दे पा रहे हो, कर क्या रहे हो ये बताओ, ये नूतन भी ढोलक नहीं बजा रहा, कोई नहीं, बीत गए वो जमाने नहीं आते। सर सुनो केवल नूतन भैया तुम तो लेट गए, कोई बात नहीं, बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, अब लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, अब लकड़ी के मकानों में चिरागों को मत रखिए, क्योंकि ये पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते, अगर लग गई तो कोई बुझाने नहीं आएगा, तुम्हारा पूरा मंडल एक शेर पर चढ़ जाएगा। जब वो मेरे करीब से हंस करी गुजरी गए, लाखों चाहने वालों के चेहरे उतर गए, गाना बजाना सुर समाज का, गाना बजाना बहुत शांति का होता है बेटा, वो जब मेरे करीब से हंसकर गुजर गए, लाखों चाहने वालों के चेहरे उतर गए, हालात इनके दादाजी, हालात इनके देखकर उठती नहीं नजर, लगता है पेंटर भैया तुम्हारे जमाने गुजर गए। क्या बात है, जमाने ये कहा है आपने, गमों की याद पर आंसू उबाल कर देखो। जिद्दी जी एक बात और, इधर से कोई भी शेर वैसी नहीं होगी, केवल कायदे कानून की बात होगी, गमों की याद पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की भी ये चुभन हो जाएगी कुछ कम, तुम्हारे दिल की भी चुभन हो जाएगी ये कुछ कम, किसी गरीब के पैर का कांटा निकाल कर देखो। क्या बात है, बात भैया, कायदा कानून की बात करते हैं हम लोग, केवल काम की बात बस, मैंने चंद्रिया उड़ लो सब तुम्हारे हो जाए, मैंने कहा था सोचो क्या होगा इनकी पहली रात में, मैंने कहा था ये काल्पनिक है, अश्वंग है, लेकिन आपने और दूसरी जगह से ऐसे जवाब होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, अच्छी बात है, जय हो जय हो, लेकिन मैंने कुछ और कहा था उसमें, आइए आपका एक खंड पीस आया है, और इनका नाम है चमेली, इनका नाम है चमेली, चलो गुल्ली डंडा
बड़बड़ा मत ना, ना गाना बजाना बहुत शांति का होता है बेटा, बहुत शालीनता का आज, लेकिन तुम्हें सिखा देंगे सुबह तक। इनका नाम है चमेली, ये है मालिन अलू बेटी। हमारी चुपचाप का फायदा मत लो। चली आई है अकेली बड़ी दूर से, उसको कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना नहीं, और इस गाने में बिल्कुल ढोलक ऐसे ही बजी है। ओ दरोगा बाबू बोलो, अरे जरा पर मज्जा तो खोलो, ये तो द्वारे पे खड़ी है बड़ी देर से। निर्देश भैया अब सुनिएगा, बहुत सुंदर कट पीस है आपका, कोशिश कर रहा हूं शायद आपको अच्छा लगे। आपने कहा था इनका नाम है मानदाता, इनके कोई नहीं है माता, कैसा भाग्य में लिखा विधाता तुम भी देख लो। इनका कहने का मतलब है कि माता नहीं है, पिता ने जने माता नहीं है, तुम्हें सुनिए तुम्हें दिखा रहा हूं, बहुत ऐसे हुए हैं, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बाली सुग्रीव है और भी कई है। दानव कुल में हुए विरोचनी, सारी दानव कुल में हुए विरोचन, इनकी सुनो कहानी। विरोचन, विरोचन नाम है, सुनिए जवाब दादाजी, शांति मिल जाएगी तुम्हें आज। पले पिता के पेट में बेटा हो गई ये नादान, हो गई ये नादानी, हो गई ये नादानी। और सुनिए बेटा कौन हुआ, राजा बलि हुए सबने जानी, इनके पिता है निर्माता, राजा बलि हुए विख्याता। सुने इनकी कोई है माता, इनके पिता के निर्माता, राजा बलि हुए विख्याता, इनकी कोई है माता तुम भी देख लो। राजा बलि, ऐसे कितने एग्जाम्पल दे मस्ताना तुमको दादाजी, विरोचन है जो राजा बलि पैदा हुए। जय हो, जय हो। अरे इनके पिता है निर्माता, अरे राजा बलि हुए विख्याता, इनकी कोई नहीं है माता तुम भी देख लो, इनकी कोई नहीं है माता तुम भी देख लो, इनकी कोई नहीं है माता तुम भी देख लो। कैसे हुए ये? राजू दादा, जो भगवान को नाचना चाहता देखकर चौकीदार बनाता, जिसने जो भगवान को नाचना चाहता और देखकर चौकीदार बनाता, ये तो दानी भी कहलाता तुम भी देख लो, ये तो दानी भी कहलाता तुम भी देख लो, ये भी दानी भी कहलाता तुम भी देख लो, और ये तो दानी भी कहलाता पढ़ तुम लेख लो। तुम्हारा काफी आता देख लो और इधर से पढ़ तुम लेख लो, इसको कहते हैं शुद्ध जवाब। ये काफिया नहीं छुपा रहे हो तो क्या जवाब दोगे? ओहो वो क्या गया यार, राजू दादा सब समझ रहे हैं। एक धुन और बहुत बढ़िया धुन आई,
चुम्मा 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 दादा। अरे चुम्मा 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 हमको बना ले प्रियतम आइए एक गीत आया है और गीत में खासियत है अरे जो मुझे नहीं मिला दिल मेरा नहीं खिला निकल जाए गीत चुम्मा चुम्मा अरे चुम्मा 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 हो चुम्मा 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 हो। अब देखिए इनके कहने का मतलब है कि पति पत्नी से अम्मा कह रहा है और गीत का यही भाव है। जय हो जय हो। पति और इन्होंने कई जगह ऐसी दिखाई है कहीं परिक्रमा कहीं कुछ ये कोशिश कर रहा हूँ यथाशक्ति हिसाब किताब बाकी ने रह जा रहा हूँ भाई। ना, ना, ना हम लोग नहीं करते हैं बिल्कुल। सम्राट सुर के घर आ करी जब भगवान शंकर ने रथी को वरदान दे दिया कह दिया अब तो ये जीवित नहीं हो पाएगा लेकिन तेरा पति तुझे द्वापर युग में सम्रासुर के घर मिलेगा। कृष्ण तने पत हुए तोरा क्या बात है बहुत वचन अन्यथा जाए ना तोरा। इसलिए कहा सम्राट सुर के घर आकर कहलाई मायावती है उस नारी की गोद में खेले उसका पति उसका पति है खेले उसका पति है। और बोल रहा घूम घूम नाच रहा झूम झूम नाच छम्मा छम्मा तो वो क्या कह रहा वहां अम्मा 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 और बजाना मना करते मना करते हैं लेकिन मानते नहीं हो क्या ये कोई बात नहीं भड़बड़ा मत। ना 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 हम लोग आज कुछ नहीं कहेंगे कोई कोई ऐसा गीत नहीं गाऊंगा ना 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 जो धुन तुम पे ना आए ना कोई सवाल ऐसा नहीं करूंगा जिसको आप न बता सको लेकिन आप नहीं बता पा रहे इसमें मेरा क्या दोष है इसमें मेरा दोष क्या है हमारे बस्ते में जितनी सबसे सरल चीज है वो तुम्हारे सामने पेश की जा रही है। मच्छर पकड़ी ने लगे है इनके यहाँ जाकर मैंने ये देखा इनके यहाँ जाकर मैंने ये देखा दादाजी ये अंधे भी अखबार पढ़ने लगे लेकिन हम लोग ऐसी सैर सारी अब नहीं करते हैं सब बंद कर दी करना। कहा किसी ने क्या कहा किसी ने कहा था
तुम्हें सुना रहा हूँ, बच्चे बच्चे गाते हैं। किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पे खामोश रहना। जिस गाने में गलेबाजी ना हो वो गाना बेकार। क्या बात है, ये तांत्रापन का गाना बेकार होता है। लगे चोट दिल पे खामोश रहना। सुनिए, नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना, नहीं आज कोई खुशी का ठिकाना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुरा। सुनिए सेटिंग, सुनिएगा, बहुत सुंदर गीत गा रहा हूँ। और दादा गीत में कुछ नहीं है, ना ना ना, हम लोग कुछ नहीं पेश करेंगे। आप पता नहीं क्यों भटक जाते हैं। भटको मत, बहुत शालीनता से बहुत ही शुद्ध साफ गा रहा हूँ, जो आपको परेशानी नहीं हो। ना सुनिए, सुनिए, जय हो। एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद, उनकी पत्नी जो है सुमत सुरज, एक सुरचि है एक सुनीति है। जब सुनीति ने देखा कि मेरे कोई संतान नहीं पैदा हो रही है, तो उन्होंने आग्रह किया पतिदेव से, कहा आप दूसरी शादी कर लें तो हमारे कुल को चलाने वाला हो जाए। जय हो जय। जब जिद की तो राजा मान गए, और जब शादी करके आए, लेकिन जब दूसरी रानी ने देखा कि एक रानी और है और है, तो सुनिए उसने कह दिया या तो ये घर में रहेगी अब मैं। सुनिए तो हुआ क्या, सुनिए। जब ये बात रानी ने सुनी तो हुआ क्या, क्या हुआ, बात सुनकर भैया आज रानी की बात सुनी तो राजा भी चकित रह गए। बोले बताइए, इसने मैंने मना किया लेकिन ये नहीं मानी। हुआ क्या, क्या कर रहे हैं आज उत्तानपाद राजा, विचार कर रहे हैं। सुनो, अरे रानी की बात सुनकर होती है रानी, रानी राजा से राजा क्या सोच रहे, क्या दादा घरवाली ने कैसे जुल्म करी डारे, इस मेरी जो नई घरवाली है, घरवाली ने कैसे जुल्म करी डाले, घरवाली की दुश्मन ये भाई घरवाली। इसको कहते हैं अलंकारों का प्रयोग। घरवाली की दुश्मन भाई घरवाली। तो दादा सुनिए, घरवाली के कारण गई घरवाली। सुनिए सुनिए सुनिए, घरवाली की दुश्मन भाई घरवाली, तो घरवाली के कारण कई घर घरवाली 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 कारण।
घर वाली के कारण कई घर वाली। प्रथम बंद में घरवाली के कारण गई, पत्नी के पीछे मेरी पत्नी चली गई। अब दूसरी बंद सुनिए, सुनिए। भगवान राम जब सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव ने अपनी कथा बताई। वो क्या कह रहे हैं? बाली के भैसे भैसे भागा जान बचा कर चुपके से परी मत पे रहने लगा कर। हे प्रभु, उस बाली के भैसे जान बचा कर भागा हूँ और चुपके से रह रहा हूँ यहाँ पर। उसने कहा मैं मेरे साथी उससे हिम्मत है हारे मैं मेरे साथी उससे हिम्मत है हारे। दादाजी, घर वाली ने अपना लई घर वाली। सुनिए वहां दादा, ध्यान दे थोड़ा सा। वहां घरवाली के कारण गई घरवाली, पत्नी के पीछे पत्नी चली गई, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं मेरे साथी उससे हिम्मत है हारे। फेंट भैया, घर घर बाली ने अपना है लई घर वाली। प्रभु प्रभु, घर घर बाली के कारण कई घर बाली पहले पत्नी के कारण गई है, मैंने प्रयोग किया घरवाली पत्नी के लिए। यहाँ वो कह रहा है घर बाली के कारण गई घरवाली। बाली बाली, और इधर सुनिए, कहा परी मैंने मना किया मानी क्यों? बाली मैनु मोटी सिद्धान है सिद्धान। श्री ओम भैया, यही करवा चौथ का ही दिन था। जिद कर दी घरवाली ने कि मुझे बाली चाहिए। ओ, मुझे बाली चाहिए, तो हुआ क्या? सुने, मैंने मना किया मानी वाली मैनू मोटी जिद ऐसी पानी। क्या किया उसने? माधव मकान में बो लगा करके तारे। जय हो जय हो। देखिए मस्ताना, सुनिए मनोज 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 भैया जी की तरफ से 10 रुपए का आशीर्वाद हुआ है। ये भी पुराने कीर्तनकार हैं फरीदपुर वाले। जय हो जय हो जय हो। कोट कोट आशीर्वाद चाहता हूँ। जय हो जय हो। माधव मकान में बो जिद्दी भैया, माधव मकान में बो लगा करके ताले। घर वाली माँ के राम नई घर वाली। अब यहाँ बाली, और तुम ये मत कह देना कि गेहूं की बाली, तुम ये कह दो गेहूं की बाली। नहीं, अब बाजरा की चल रही है। ये मत कह देना। अरे घर बाली मांगे राघू नई घर बाली। धन्यवाद। और बाजरा बाली के कारण
जब मैं नहीं लेके आया तो हुआ क्या? अरे बाली के कारण गई घर बाली के कारण गई घर बाली के अब लाओ बाली अब लाओ बाली बाली हाँ दोनों बाली सही बात वाला और वाली जब जब घर वाली बात साली आ जाए कुछ लाओ भाई तुम्हारा माल है लेकिन लाओगे साली तो बात होगी जाली आएगी साली बात होगी जाली जय हो जय दुनिया में आएगी ताली कहा क्या कहा कैसा जब रवैया हो गया मैं तो नशे में डली हो गया जाओ जाओ सुनिए भैया बहुत सरल गीत है भैया ये मेरे लिए पुरस्कार आया है स्पेशल कौशल भैया आप एक पाकिस्तान के लिए शेर बोलते हो उसको बोल दीजिए सुनिए भैया आप कह रहे हैं वो तो एक कवित है लेकिन सुनिए चार लाइन तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएंगी ना मैं गीता ना मैं कुरान लिखता हूँ लिखता हूँ तो केवल सम्मान लिखता हूँ जो मेरे भारत को गलत दृष्टि से देखेगा उसकी छाती फाड़ कर हिंदुस्तान लिखता हूँ ने कहा दादाजी हाँ भैया भैया पाक तुझे जवाब तो तू देता है अभी शेर सारी का अंदाज नहीं है तुमको शेर हो तो कम से कम बिजनेस में हो ए पाक तुझे जवाब तो तू देता है और देखो ताली देखना जितनी भैया बात कर सम्मान की आ जाए तो युद्ध का बिगुल फूंक देते हैं तेरे देश में जितना दाल और रोटी खाने को पैसा है उतना तो मेरे देश के बाबा गांजा पी के थूक देते हैं क्या बात है बहुत सुंदर सुना भाई जी हो मैडम तेरी चाल तेरे सिर के माल इससे ज्यादा क्या इसको कहते हैं शुद्ध गाना और बजाना देखिए पेंटर भैया एक और बात सुनिए कैसा अजब रवैया हो गया हो गया कैसा अजब रवैया हो गया तुम सुनिए राम भैया जड़ से उखाड़ देंगे जब पाकिस्तान की बात आ जाए तो मेरा खून खोलता है ए पाक तुझे जड़ से उखाड़ देंगे और शेर की तरह तुझको दहार देंगे अभी भी वक्त है सदर्जा चीन और पाकिस्तान वरना तेरी छाती पर तिरंगा झंडा गाड़ देंगे बहुत सुंदर ये स्पेशल पुरस्कार है कैसा अजब रवैया हो गया तुम सुनिए अरे ये लेखो का संवाद किया है लेखो से याद पैदा सास के भयो दमाद पैदा सास के भयो दमाद
लिखो बेटा, सांस के पेट से दामाद पैदा हो रहा है। अरे पैदा सांस के भया दामाद। और क्या हुआ दादाजी? और क्या हुआ सुनिए, इधर क्या हुआ पेंटर भाई? अरे पैदा पहन के भैया हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए, पैदा पहन के भैया हो गया, तुम सुनिए, पैदा पहन के भैया हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए। इसपे 50 रुपए का आशीर्वाद हुआ है। हाँ आदमी भैया लवकुश ठाकुर जी की तरफ से कोट कोटे आशीर्वाद चाहूंगा। कहा जय हो, जय हो। कैसा अजब रवैया हो गया, तुम सुनिए सब सुनिए, अरे ये लेखो का संवाद किया है लेखो से याद, पैदा सास के भयो दमाद। लेकिन मैं कोक से बात कर रहा हूँ। हाँ सौतेला ओतेला मत लाना। ना ना ना, हाँ नकल जी हो ना नकल तो हाल कर। कोयल की तीखी पानी को देखो, कोयल की तीखी पानी को देखो ना भैया, और पानी में बहती लबानी को देखो, मुन्नी और शीला की जवानी तो है बेशर्मी की हद, जवानी देखनी है तो झांसी की रानी की देखो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कौशल भाई। अरे ये ले बहुत का सम्मान किया गेले कौन से यार, पैदा सोच के भयो दमाद, पैदा पहन के भैया हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए, पैदा पहन के भैया हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए, पैदा पहन के भैया हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए, पैदा पहन के भैया हो गया। अब तुम देखना क्या कहेंगे। अरे पैदा पहन के भैया हो गया, तुम सुनिए तुम सुनिए, इसे 50 रुपए का आशीर्वाद हुआ है आदरणीय दादा सर्वेश दीक्षित जी की तरफ से। जय हो, जय आशीर्वाद चाहूंगा। जय हो, जय हो। आ रहे हैं आपके समक्ष आदरणीय भैया जिद्दी जी। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। हरि मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, हरि मेरा दिल तुझे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, अरे मुरलिया वाले रे, समरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, समरिया प्यारे रे, वाले रे, समरिया प्यारे रे, हो मेरा, हो मेरा दिल, मेरा दिल, हो मेरा दिल तुझे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, हाय कुर्बान 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 कुर्बान, हो मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, अब तो हो जा, है अब तो हो जा मेहरबान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझे कुर्बान, मुरलिया वाले रे, मेरा मेरा दिल तुझे कुर्बान, तुझे मुरलिया वाले, सच्चे दरबार की जय।
हारे हैं आपके समक्ष। जय हो जय हो आदरणीय भैया जितेंद्र जिद्दी जी, ये भी